क्या ओला पर एसेसरीज लगवानी चाहिए? क्या हमारे इंश्योरेंस क्लेम मिल पाएगा? क्या वारंटी लैप्स हो जाएगी? तो गाइस आप लोगों के ओला से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो, चाहे वो मेरे नंबर पे आप कॉल करें या मैसेज करें उसके थ्रू भी। आज का वीडियो जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज मैं आपको कह रहा हूँ, अभी तक मैंने कभी नहीं कहा कि इस वीडियो को आपकी जितने भी ओला से रिलेटेड ग्रुप्स है या फिर जो भी ग्रुप्स है जो कि ओला लेना चाहते हैं या फिर जो भी व्यक्ति ओला लेना चाहता है उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि ओला लेने के बाद आपके मन में पहली चीज आती है कि इसके ऊपर एसेसरीज लगाएं या ना लगवाएं, क्योंकि एसेसरीज के रिलेटेड काफी सारे डाउट्स आपके मन में होते हैं। मैं पहले आपको डाउट बताना चाहता हूँ। तो देखो चार तरीके के क्वेश्चन आपके मन में आते होंगे या चार तरीके के डाउट आपके मन में आते होंगे। पहला, क्या ओला पर एसेसरीज लगवानी चाहिए? दूसरा, क्या ओला पर अगर अपने एसेसरीज लगवा ली उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर गाड़ी डैमेज हो जाती है तो क्या हमारे इंश्योरेंस क्लेम मिल पाएगा? तीसरा यह है कि क्या हमने अगर एसेसरीज लगवाई है तो हमारी जो वारंटी है क्या वो रहेगी या फिर वो वारंटी लैप्स हो जाएगी? क्या ओला की जो जेन्युइन एसेसरीज है उससे भी इंश्योरेंस और वारंटी के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? तो आपके डाउट सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये ओला का चार्जर होल्डर, जिसको आप परचेस कर सकते हो अमेजन फ्लिपकार्ट से, और अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाके अगर आप सर्च करते हो तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है ये जो AM लोगो है ये देख के ही लेना है, क्योंकि हमारे द्वारा बनाया गया है और इसके अंदर हमने प्रॉपर वेंटिलेशन दिया है, क्वालिटी वाइज भी काफी ज्यादा अच्छा है, हाई मटेरियल यूज किया है, तो ये चीज ध्यान रख के लेनी है। और अगर आप हमारे से डायरेक्ट परचेस करना चाहते हो तो इस नंबर से आप परचेस कर सकते हो। अभी आते हैं अपन आपके डाउट्स पे। तो अभी देखो हमारा पहला सवाल क्या है, जैसे हम नई ओला लेते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, यार एसेसरीज लगवा लेते हैं उससे हमारी गाड़ी थोड़ी मतलब ठीक है, सेफ्टी हो जाएगी, जैसे पीछे से किसी ने कोई आ गया, किसने अड़ा दी गाड़ी को तो हमारे स्क्रैच नहीं आएंगे, लाइट नहीं टूटेगी, आगे से कहीं अड़ गई तो हमारी गाड़ी पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, तो हम सोचते हैं एसेसरीज लगवा लें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको एसेसरीज नहीं लगवानी चाहिए, उसकी वजह से एक तो गाड़ी का पूरा लुक खराब हो जाता है। यही रीजन है कि पिछले 7 महीने से मैंने एसेसरीज नहीं लगवाई है और ना ही मैंने इस तरीके का कोई वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने एसेसरीज को किसी को प्रमोट किया हो, जैसे गार्ड्स हो गए, हम सेंटर स्टैंड की बात करें, लेडीज फुट रेस्ट की बात करें, बैक रेस्ट की बात करें। हाँ, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था लेकिन मैंने वीडियो पब्लिश इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये डाउट था कि क्या वारंटी या इंश्योरेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है, और क्लियर किया है मैंने ओला के कस्टमर सर्विस से, तो उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको एंड में सुना दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एसएससी आपको लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। सेकंड ये है कि एसएससी मान लो आपने लगवा ली, आपने सोचा कि नहीं यार हमारे घर पे बोल रहे कि नहीं एसएससी लगवा लो, हर कोई लगवाता है एसेसरीज, तो हमने भी लगवा ली आफ्टर मार्केट जाके ऑनलाइन मंगवा के, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है आपकी जो वारंटी है ना, फिर आपने 3 साल की वारंटी ली हो चाहे 5 साल की वारंटी ली हो, 5 साल की वारंटी लेने में आपके 8,500-9,000 रुपये भी लगे होंगे, तो वो वारंटी जो है ना आपकी लैप्स हो जाएगी। फिर इन फ्यूचर चाहे आपके कीबोर्ड खराब हो, चाहे आपका डिस्प्ले खराब हो, चाहे आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आए, चाहे आपके मोटर में प्रॉब्लम आए, या ओला से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आए जिसको ओला कस्टमर केयर जो सॉल्व करते हैं या ओला की जो सर्विस सेंटर है वो सॉल्व करते हैं, वो नहीं सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। कोई भी पार्ट अगर खराब होता है तो उसके चार्जेस होंगे और चार्जेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। अब क्या इंश्योरेंस के ऊपर भी फर्क पड़ेगा? तो जैसा मैंने बात करी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि अगर वारंटी नहीं रहेगी तो इंश्योरेंस पे भी इफेक्ट आएगा और आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब फिर जब बात चली रही थी तो मैंने इनसे ये भी पूछ लिया कि जेन्युइन एसेसरीज जो मतलब लेडीज फुट रेस्ट आया हुआ है, सेंटर स्टैंड आया हुआ है, तो उससे भी क्या वारंटी या इंश्योरेंस पे इफेक्ट पड़ेगा? तो वारंटी इफेक्ट पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो आपके इन वारंटी ही रहेंगे, इवन वो आपके इंश्योरेंस के अंदर भी रह सकते हैं। तो अभी आप ये रिकॉर्डिंग सुनो, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको एंड में बताता हूँ। Thank you for calling Gola Electric. This is Shifa. How may I help you? Hello. Yes, sir. Thank you for calling Gola Electric. Sir, how may I help you? मैम मेरे पास ओला S1 है और मैं उसके ऊपर आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवाना चाहता हूँ, जैसे फ्रंट गार्ड हो गया, बैक गार्ड हो गया, हम बात करें यहाँ पे ये बैक रेस्ट है, सेंटर स्टैंड है या लेडीज फुट रेस्ट है, तो उसकी वजह से क्या मेरा इंश्योरेंस के ऊपर कुछ इफेक्ट जाएगा या फिर मेरी जो ओला की वारंटी मैंने ले रखी है 5 ईयर की ले रखी है मैंने और 3 साल देता है तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट होगा या नहीं? अगर आप थर्ड पार्टी से लेके लगवाते हैं एक्सरसाइज स्टैंड, सेंटर स्टैंड वगैरह कोई भी एक्सेसरीज एक्स्ट्रा, तो इसके रिगार्डिंग आपको इफेक्ट पड़ सकता है आपकी पूरी वारंटी के ऊपर सर। ओके मैम, इसमें वारंटी के अंदर क्या क्या पार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है सर, वारंटी के अंदर बैटरी मोटर डिस्प्ले और चार्जर आता है सर। तो ओवरऑल यही मेन पार्ट्स हैं, तो बेसिकली ये पूरी स्कूटर की वारंटी हट जाएगी सर। अच्छा, पूरी स्कूटर की वारंटी हट जाएगी जी। एंड मैम अगर इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस भी हटेगा क्या? सर ऑब्वियसली वारंटी नहीं है तो इंश्योरेंस भी हट सकता है सर। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है? जी जी सर।
ओके मैम, तो सुन ली आपने रिकॉर्डिंग? एग्जैक्टली वही था ना जो कि मैंने आपको सब कुछ पहले बताया। अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे आपको सबको मैसेज देना है ये कि आप मानो एसेसरीज लगवा रहे हो, एसेसरीज से आप स्क्रैचेस से तो बचा लोगे लेकिन जब एक्सीडेंट होगा तो आपकी ओला डैमेज तो होगी ही, उसके बाद आपको इंश्योरेंस क्लेम लेना ही पड़ेगा। और इंश्योरेंस क्लेम के आपके कितने रुपये लगते हैं? 650 से 1000 रुपये के बीच में लगता है अगर आपने अलग अलग कंपनी से ले रखा है, तो हर कंपनी का जो है ना फाइल चार्ज वो अलग होता है, तो सिर्फ फाइल चार्ज लगेगा, आपकी गाड़ी पूरी रिपेयर हो सकती है। अब मान के चलो हमने 5000 रुपये खर्च करे एसेसरीज पे और 5 साल में हमने 5 बार इंश्योरेंस क्लेम भी ले लिया तो भी हमारे इतने रुपए नहीं लगेंगे। अब जिन्होंने एसेसरीज लगवा ली है उनका क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके ऊपर जैसे ही एक मैंने मेंबर काउंट रख रखा है कि इतने मेंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब वहां पे वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। बाकी आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, ट्राई करूंगा आपको कमेंट में भी उसका रिप्लाई देने की, या फिर हमारे नंबर के ऊपर भी आप बात कर सकते हो, वहां पे भी आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे एसेसरीज लगवाने को लेकर, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछना, हमारा नंबर है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, वहां पर हमारी टीम आपको पूरी कोशिश करती है जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना, आप जितने ग्रुप्स है उसमें शेयर जरूर करना, इससे क्या है ना कोई भी अगर एसएससी से रिलेटेड किसी का भी डाउट है, क्योंकि जो भी नई गाड़ी लेता है वो एसएससी लगवाने का मन में उसके आता है, तो पहले वो वीडियो देख के समझ जाए कि उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बस यही था आज की वीडियो में जिसके अंदर मुझे आपके सारे डाउट्स क्लियर करने थे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता है अगले वीडियो में, ओके बाय।